हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग इस कोरोना महाकाल हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकार लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इकोनॉमिक्स का। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स पर टॉपिक लाए मानसिंह, व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक, व्हाट इज इकोनॉमिक क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, व्हाट इज इकोनॉमिक क्वालिटी ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले रिसर्च है, व्हाट इज इकोनॉमिक क्वालिटी ऑफ रिसोर्स। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक रिसर्चर, रिसर्चर वो होता है जो आगे का रिसर्च करता है, कुछ नई बात लेता है, कुछ नया बात खोज के, जो शायद पहले भी हुए हों लेकिन जो शायद पहले न हुए हों, ठीक है, जो शायद पहले न हुए हों या फिर हुए हों तो उसे कुछ नई चीज निकल के जब सामने आते उसे रिसर्च करते, और जो व्यक्ति इस काम को करता है उसे रिसर्चर या रिसर्च स्कॉलर। अब क्वालिटी ऑफ रिसर्चर क्या है? एक रिसर्चर की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छा हो, वो चेयरफुल हो, ओबीडियंट हो, पेशेंट हो, हर चीज़ में पेशेंस रखें, कॉन्फिडेंस रखें, जल्दी एंग्री ना हो, और वो दूरदर्शी हो। तो ये सब क्वालिटी है, पेशेंस, गुड डिसीजन एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी, रीडिंग एबिलिटी, पेशेंस, पेशेंटफुल, जो अच्छे से पेशेंट रहे, पेशेंट का मतलब पेशेंस रखे, ट्रूथ से काम करे, ईमानदारी से करे, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, डिग्निटी, ये सब जो क्वालिटी रिसर्चर में होता है। अब इसका इकोनॉमिक स्पीड क्या है? क्वालिटी ऑफ रिसर्चर जितने अच्छे और ईमानदारी बेस्ड होंगे वह काम उतने अच्छे से करेगा। जब रिसर्चर अच्छे से जब काम करेगा तो नई बातें उससे अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी, और जब अच्छी अच्छी बातें निकल आएंगी उसका मार्केट में कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगा, और जब मार्केट में उसका कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगा तो सोशल इकोनॉमिकल इंडिविजुअल वेलफेयर ज़रूर होगा। अब जब सोशल इकोनॉमिकल वेलफेयर जरूर वेलफेयर होगा तो फिर मार्केट में उससे संबंधित काम भी अच्छे होंगे, और जब काम अच्छे होंगे तो उससे संबंधित मार्केट में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जब मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जब मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो मार्केट में इनकम भी बढ़ेगा, और जब मार्केट में इनकम बढ़ेगा तो मार्केट में कंजप्शन और एक्सपेंशन भी बढ़ेगा, और जब मार्केट में कंजप्शन और एक्सपेंशन बढ़ेगा तो मार्केट में सेविंग और एक्सपेंशन बढ़ेगा, और जब मार्केट में सेविंग और एक्सपेंशन बढ़ेगा तो मार्केट में प्रोडक्शन भी, यानी हम कह सकते इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलती रहेगी। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंशन, सेविंग्स में, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एक्सपेंशन, सेविंग्स में। ओके माय सर, तो हम कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ रिसर्चर का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और अदा होता है। ओके मैच, आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक क्वालिटी ऑफ रिसर्च। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में जोड़ गया, मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर नहीं तो विशाल भाई मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे, सीख रहे, आगे बढ़ रहे, दिन दुनी ना चौबीस तक ही करें, इससे मुझे कुछ सीखी क्या बात हो। और हाँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड लिटिंग, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे अकाउंट में जरूर, और मेरा मन आपके लिए आप सब सारे लोग खुले बहुत ही फायदे में साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्ट, न शर्त में तो ला, क्योंकि विद्या के बिखराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज और समय गैस। ओके मैं तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी तरह विषय में किसी आप इसे, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एडवांस अगेन, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो वंस अगेन विश यू ऑल बेस्ट, आज गणेश चतुर्थी, आपको आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार गणेश चतुर्थी की हार्दिक विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ माय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा मौर्य, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़ के को, ए बबले गणेश भगवान की जय, ए बबले गणेश भगवान की जय, हर महादेव, हर महादेव।